नमस्ते व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंघल आज हैप्पी हैप्पी घर में आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख कृष्ण बरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। बरुथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल बरुथनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नृपोत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और मुक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से भूमि का दान सबसे अधिक, तिल का दान उससे अधिक, स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान है। अन्न दान से उत्तम कोई दान न हुआ न होगा। पितृ, देव, मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। उसी के समान कवियों ने कन्यादान को कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गोदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्या दान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं। वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं, इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, इस विधि से बरुथनी कही है, यह पापों को दूर करके अंत में अक्षत गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरुथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1,000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप एकादशी माता की आरती सुनना चाहें, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप कथा की किताब मंगवाना चाहते हैं, एकादशी माता की कथा की किताब भी मंगवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते।